प्रोग्राम कलर्स ऑफ इंडिया जो है हम वाओ क्लब ने और मानव सेवा संस्था ने मिलके करने की जो योजना बनाई थी, तब हमारे दिन में एक ही ख्वाहिश थी कि हम किस तरह से अपने सोल्जर्स को, और ये जो पुलवामा में ये जो CRPF पे अटैक हुआ उसमें अपना योगदान किस तरह से कर सकते हैं। मैं इसमें एक ही बात बोलूँगा कि एक विस्फोट हुआ और शरीर से बोटियाँ चली गई। लोग कहते हैं एक जवान गया पर एक परिवार की रोटियां चली गई, तो हम अपना योगदान उस परिवारों को कैसे दे सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ये फंक्शन में सारी डोनेशन के तौर पे जो भी हमारा पैसा इकट्ठा होगा वो हम डोनेशन के तौर पे देंगे, और इसका जो भी वो इस्तेमाल करना चाहे CRPF वाले अपने किसी भी फंड में हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम CRPF अपने जवान, अपनी सेना, अपने लोगों के साथ तहे दिल से खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। आज का जो ये कार्यक्रम है ये मानव सेवा संगठन और वाओ क्लब की तरफ से संयुक्त प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमने पहले एक बॉलीवुड नाइट की तरह इसको सेलिब्रेट करना था, लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण जो पुलवामा के इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने लोगों ने इसकी थीम चेंज करके इसको पैट्रियटिज्म में कर दिया, देशभक्ति में कर दिया। यह दोनों संस्थाएं जो हैं ये दोनों सोशल संस्थाएं हैं, किसी भी प्रकार की पॉलिटिकली संस्थाएं नहीं हैं। ये यहाँ पर जो भी कार्य होता है गरीब बच्चों के लिए, स्कूल में उनकी मदद, नीडीज को जो ज़रूरत हो, लेप्रसी के जो आदमी हो उनके लिए ज़रूरत हो, और आज एजुकेशन पॉलिसीज़ के लिए भी स्कूल्स में बड़ी मदद करते हैं। और आज जो भी ये प्रोग्राम हुआ है, हमारे पास जो भी फंडिंग हुई है, मैं समझता हूँ 1,00,000 रुपये तो हमारे जो वाओ क्लब की प्रेसिडेंट हैं शैली सहगल और जनरल सेक्रेटरी स्वाति सचदेवा और मानव सेवा संगठन के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने 1,00,000 रुपये की तो अनाउंसमेंट बहुत देर पहले ही कर दी थी, लेकिन लोगों का जोश देख के मुझे लग रहा है कि हम ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा पार करेंगे, और जो भी 1.5-2 लाख, 1.5 लाख रुपये जो भी इकट्ठा होगा वो CRPF की जो हमारे सोल्जर्स की जो वाइफ्स हैं उनके लिए दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ये जो मानव संस्था है वाओ क्लब की तरफ से हुआ गया, जो इस बार जो देख सकते हैं इसके अंदर सारी लेडीज़ हैं, महिलाओं ने एकत्रित होकर जो पुलवामा में शहीद हुए सैनिक उनके लिए यहाँ पे 2,01,000 तक अपना चंदा कर दिया गया है, जो कि पुलवामा के जो शहीद हुए सैनिकों के लिए डोनेट किया जाएगा। इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वाओ क्लब और दोनों क्लबों ने मिल के एक मतलब है वार विडोज के लिए, वार विडोज जो कि पुलवामा के में शहीद हुए हैं उनकी विडोज के लिए फंड इकट्ठे किए, और 1,00,000 का चेक हमने मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो आए हुए थे उनको दिया। उसके बाद गोपाल राय जी जो कि अभी आज का राज्यसभा सदस्य हैं उनको भी 95,000 कुछ की राशि हम लोगों ने जो इकट्ठी की थी वो दी। ये सब उनके लिए और आगे करते रहेंगे, हम लोगों ने मिलके और भी पहले भी प्रोग्राम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी